हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी आम का बहुत अच्छा सीजन है और पूरे मार्केट में अभी आमों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही है, बहुत धूम मची हुई है आमों की। तो आम तो हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता है, कुछ ही इनका सीजन होता है। तो अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो रक्षाबंधन भी आने वाली है अभी कुछ दिनों में। यहाँ पे अभी सावन का महीना भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, वो भी शुरू होगा। मैं आपको जस्ट अब बता रही हूँ कि कौन कौन से फेस्टिवल हमारे आएंगे। तो आज आप बनाएंगे कोकोनट से हम, तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते हमें कुछ मीठा अच्छा लगता है, क्योंकि हम इंडियंस को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और थोड़ा सा वो अलग टाइप का, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 दशहरी आम ले ली है, इनको अच्छे से हमने धो लिया है, ये रूम टेम्परेचर पर है ऑलरेडी, ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, इसमें इतनी खुशबू आ रही ना, और मेरा फेवरेट है दशहरी आम, तो मुझे जब भी मिलता है तो मैं हमेशा इसको मैंगो शेक की तरह नहीं यूज करती हूँ, बस मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे पकड़ती हूँ और इसको यूं 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 करके इसका पल्प इसी के अंदर ही, और मैं इसको एकदम ऐसे जैसे कि हम चुस्की और आइसक्रीम खाते हैं ना, बिल्कुल मैं इसको इस तरीके से खाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बचपन से मेरा ये फेवरेट मैंगो है दशहरी, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस होती है, जो मीठा होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है, तो मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी, आज हम बनाएंगे मैंगो कोकोनट लड्डू। तो ये बहुत डिलीशियस मिठाई बनने वाली है और इसको बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, और आपका गला भी ख़राब नहीं होगा, हमने मैंगो इसमें बहुत मीठा वाला लिया है, तो बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से मैं सारे मैंगो को अच्छे से पील कर लूँगी और इसको हम मिक्सी के जार में डाल के हम प्यूरे बना के रेडी करेंगे। पहले हम अच्छे से पील कर लेंगे। यहाँ पर आप मैंगो अगर रूम टेम्परेचर पर लेंगे ना, तो बहुत बेटर फील अच्छा रहेगा, इस रेसिपी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आम को अच्छे से छील के पील कर लेती हूँ। तो हमारा मैंगो अच्छे से पील कर लिया है और हमने इसको छोटे छोटे डाइस में कट कर लिया, रफली कट करा है। यहाँ पे हम इसको मिक्सी के ब्लेंडर में ऐड करेंगे, अच्छे से ब्लेंडर में ऐड करके इसके लिए प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें ना पानी डालने की ज़रूरत है ना शुगर डालने की ज़रूरत है, बस हम इसको इसी तरीके से प्यूरी बना के रेडी कर लेंगे। तो आइए, हमारा मैंगो की प्यूरी बन के रेडी है, अब इसको रख देते हैं साइड में और मैं आपको इंग्रीडियंट बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये नारियल का भूरा ले लिया है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क भी ले लिया है, ये भी दोनों चीज़ें इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो हमारी मैंगो की प्यूरी भी रेडी है, तो यहाँ पे मैं हमारे नारियल के पैकेट को खोल लूँगी और यहाँ से इसमें से मैं 1 कप नारियल का भूरा निकाल के रेडी कर लूँगी। हमने 1 कप नारियल का भूरा निकाल के रेडी कर लिया है, आइए अब इसको पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे रख दिया हमने पैन, यहाँ पे हम इसमें कर देंगे हमारा 1 कप नारियल का भूरा। आप जितने लोगों के हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो मैं मैंगो की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ मैंने रक्षाबंधन स्पेशल बनाई थी लौकी की मिठाई, क्योंकि लौकी की मिठाई सबको, लौकी ऐसे तो खा करके सब बोर हो जाते हैं और उनको, कई लोगों को लौकी पसंद ही नहीं आती है, तो मैंने लौकी की मिठाई भी बनाई। मैंने मैंगो से भी बहुत सारे डिजर्ट बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने मैंगो भापा दही बनाया, मैंने आम पापड़ बनाया, मैंने मैंगो रोल बनाया है, आप मेरे मैंगो की सारी सीरीज देख सकते हैं। मैंने आम पन्ना बनाया, बहुत सारी वैरायटी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यहाँ पे हम नारियल के भूरे का थोड़ा सा मॉइस्चर खत्म होने तक, बिल्कुल 2 से 3 मिनट, हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे हमें घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये बिना ऑयल बिना किसी चीज़ के बन के हमारा रेडी होगा। तो बिल्कुल बहुत कम बजट में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है, और बच्चों को इस तरीके से आप टिफिन में भी दे सकते हैं, क्योंकि आम का सीज़न है तो बच्चे इस तरीके से नई नई उनको भी कुछ खाने को मिलता है, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस नारियल का भूना भी हमारा जो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है ना हमें इसका कलर चेंज करना, हल्की सी थोड़ी सी खुशबू बस आने तक हमें इसको पकाना है, बस दस सेट। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, नहीं तो हमारा नारियल का जो बूरा है वो ब्राउन हो जाएगा। तो इसी पैन में हम वापस से, इसी पैन में हम हमारा जो 1 कप, ये आधा कप है, 1 कप हमने नारियल का बूरा लिया, तो आधा कप हम मैंगो प्यूरी लेंगे। अगर आपका आम थोड़ा बच जाता है तो कुछ नहीं, आप मैंगो शेक भी बना के इसमें पी सकते हैं। इसको बिल्कुल हमें पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस अब हमें इसमें अपना नारियल का जो बूरा हमने ऐड करा है वो भी ऐड कर देंगे इसी में, जो हमने अलग से प्लेट में भून के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और स्वीट के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा कंडेंस मिल्क, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पे पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 60 ग्राम कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा जो मैंगो है वो बहुत मीठा है और बहुत स्वीट भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मैंगो जो है वो दशहरी है, दशहरी अपने आप में बहुत स्वीट होता है। तो इस तरीके से आप इसको डाल के हम पका लेंगे, और हमें कोई कलर की भी ज़रूरत नहीं है, और बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा, ये ऐसी एक रेसिपी है, आप एक बार जब ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरी तरफ से आपको खास रिकमेंड है ये मैंगो कोकोनट लड्डू।
ये हर फेस्टिवल में भी आप खा सकते हैं, आप व्रत में भी खा सकते हैं, आप इसको हर सीजन में खा सकते हैं। बट हर सीजन में मैंगो तो मिलता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आप मैंगो को स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप जब भी मैंगो खरीद के लाते हैं मार्केट से, अगर आपके पास अब मतलब उस आपके एरिया में अगर मैंगो नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप उनको छोटे छोटे डाइस में कट करिए और उनको एक जिप वाले बैग में कट करके रख दीजिए छोटे छोटे डाइस में, और उनको आप स्टोर करके फ्रीजर में रख दीजिए। यकीन मानिएगा, जब भी आपको कुछ बनाना है ना, आप मैंगो को आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो जाता है। ऐसे ही मैंने स्ट्रॉबेरी को भी, क्योंकि मेरी डॉटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो मैं उसके लिए स्ट्रॉबेरी जो है वो हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था ताकि जो हमारा मैंगो है वो जले नहीं, उसका टेस्ट ख़राब नहीं हो। यहाँ पे हमें इसको 2 से 3 मिनट तक, 2 खट्टा होने तक इसको पकाना है। यहाँ पे हमें ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 0 ऑयल में, 0 घी में हम इसको बना के रेडी करेंगे। ये देखिए कितना इसका कलर अच्छा आया है, और ये देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ऑरेंज कलर है इसका और कितना केसरी कलर है। इस तरीके से आप भी बनाएंगे ना बच्चों के लिए, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। और ये जो मैंगो का जो टेस्ट आता है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इलायची का टेस्ट बहुत पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं मैंगो को एकदम सिंपल रखूँगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छे से फाइनेंस, बहुत अच्छा सा मैंगो का फ्लेवर हमें मिले। तो देखिए बस 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, हमारा मैंगो कोकोनट लड्डू बनके रेडी है। आइए इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखिए मैंने इसमें 1 ड्रॉप्स भी घी नहीं डाला है, और देखिए अपने आप ही ये पैन को छोड़ने लग गया, क्योंकि जो नारियल का जो बूरा होता है उसमें अपना ही एक नेचुरल ऑयल होता है, तो इसमें हमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप में ये बहुत हेल्दी है, कोकोनट भी बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, तो ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंगो में बहुत सारा चीज़ें होती है बेनिफिट्स, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो देखिए अगर आपको मैंगो मिल जाए जब भी, इस तरीके से आप कोकोनट मैंगो लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वंदनास कैफे को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और अगर आप कुछ और रेसिपी अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाना, मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपके लिए कुछ आपकी ख्वाहिश के पीछे कुछ एक नई रेसिपी एनहांस करूँ। तो चलिए देखिए ये अच्छे से एकदम अच्छे से ये पैन को छूट रहा है। ये देखिए अभी जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा और थिक होता जाएगा, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे से थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। तो आइए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारा मैंगो का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट में और हमारा नारियल का जो बूरा है वो लगा लेंगे देंगे, ताकि हमें इसको है ना कोट करने के लिए हमें चाहिए नारियल का बूरा, ताकि देखने में है ना इसका कलर बहुत अच्छे से आए। और नारियल के बूरे आप जब भी लाते हैं मार्केट से परचेज करके, तो आप उसको फ्रिज में ही रखिए, उससे आपका जो नारियल का जो बूरा है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक हमेशा चलेगा। तो देखिए मैं आपको कितनी अच्छी टिप्स भी बताती हूँ, मैंने आपको मैंगो स्टोर करने भी बताया है, मैंने आपको स्ट्रॉबेरी जैम भी बनाना बताया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूँ, तो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उसके लिए भी थैंक यू, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उसके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं इसको चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लूँगी, तो हमें यहाँ पर इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो हाथ है वो जले नहीं और लड्डू अच्छे से पॉइंट हो जाए। तो 2 मिनट का हम वेट करेंगे। देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है, अगर ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो हमें मुश्किल होगी, तो हम यहाँ पे आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए मार्केट में इजीली लड्डू के ऐसे रैप मिलते हैं, पेपर बैग मिलते हैं, छोटे छोटे से कप आप वो भी लाके यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ मैं बिल्कुल भी कुछ भी मार्केट का भी यूज़ नहीं करेंगे, कि मेरे पास वो अवेलेबल अभी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए इस तरीके से हम नारियल को हमारा कोट कर लेंगे। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, और वैसे तो आपको कोई मुश्किल होगी नहीं, मेरी आपको ये फुल गारंटी है। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और वैसे मैंने आपको बीटरूट का भी बनाना बताया है, बीटरूट का भी आप देख सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया था बिना कोई कलर का, उसमें भी मैंने अंदर स्टफिंग करी थी, यहाँ पर हमने अंदर के अंदर स्टफिंग नहीं करी है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का हम थोड़े वही चीज़ों को हम नए नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, नए नए तरीके से नए नए फ्लेवर के साथ उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही खाने को हम अगर अलग अलग तरीके से खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है और हमें थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कि अरे हमने कुछ नया बनाया, कुछ नया खाया। तो देखिए 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। यहाँ तो मैं आपको समझाती हूँ, डिटेल में सिखाती हूँ, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, कैसे आपको किचन में काम करना आना चाहिए।
तो देखिए हम हाउसवाइफ के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है कि इस तरीके से अगर हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, तो मैं इसीलिए आपके साथ छोटी छोटी सी टिप्स अपनी किचन की शेयर कर सकती हूँ। वैसे आप मेरी किचन की टिप्स भी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी वो भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करी हुई है, आप अगर जाएंगे मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं सारा लड्डू को बना के रेडी कर लूँगी। देखिए सारे लड्डू बनके हमारे रेडी है, तो आप भी इस तरीके से बनाइए। वैसे तो मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ आपको बनाई, मैंने आपको चॉकलेट बनाना भी बताया, मैंने आपको जीरा बिस्किट भी बनाना बताया है, तो आप मेरी सारी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक से दो रोज पेटल लगा दूंगी ताकि गार्निशिंग में थोड़ा सा कलरफुल लगे और देखने में डिश बहुत अच्छी लगे। इस तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें पिस्ता भी लगा सकते हैं, पर इस तरीके से मार्केट में भी मिठाइयाँ मिलती हैं और हम इसी सब चीज़ों की खूबसूरती के ही पीछे हम मिठाइयाँ फटाफट खरीद लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उसमें असली में ये सब चीज़ें मिली गई है या मिलाई है नहीं मिलाई है, हमें कुछ भी पता नहीं। साफ़ सफाई का भी कोई हमें भरोसा नहीं होता कि कैसी साफ़ सफाई रखी है, किस कौन कौन से इंग्रीडियंट इसमें यूज़ करे हैं, क्या इसमें यूज़ किया है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो इस तरीके से आप मेरे तरीके से बस फटाफट से ले आइए। मैंगो का सीज़न तो अभी मार्केट में है ही, फटाफट आप भी जाइए फटाफट से ले आइए और बनाइएगा हमारे मैंगो कोकोनट लड्डू। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वंदनास कैफे को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं कुछ अच्छी रेसिपी और अच्छे ब्लॉग के साथ अगली नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और अपना वक्त देने के लिए, आपको तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।